आज मैं बात करने वाली हूँ ना ऐसे कुछ डेमो हैक्स के बारे में जिन्हें अगर आप ध्यान से समझ के डेमो के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली भाई सिलेक्शन जो है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। तो मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जिस पर ना हम लोग टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड ढेर सारी बहुत सारी वीडियोज हर रोज शेयर करते हैं। तो चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दो। देखिए मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्या कमेंट किया है कि इतने सारे व्यूज़ पर लाइक्स इतने कम, तो भाई क्यों इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, पढ़ लीजिए आप लोग, उसने ऐसा लिखा है। तो प्लीज़ यार जब आप देख रहे हो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में क्या जा रहा है। देखो लाइक करने का मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है जिसकी वाकई में मुझे बहुत सारी ज़रूरत होती है अपनी नई वीडियो बनाने के लिए। डियर विदाउट फर्दर डिले ना लेट्स स्टार्ट अ डेमो टिप्स हैक्स। तो पहली चीज जो डेमो क्लास देते वक्त आपको ध्यान रखनी है वो है आपका यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल। भाई उसे कम मत होने देना, क्योंकि उसे कम होते ही आपकी जो पिच ऑफ वॉइस है वो धीरे हो जाएगी। धीरे धीरे बोलोगे तो शायद आपकी बात जो है वो सामने वाले को समझ में ना आए। कॉन्फिडेंस की कमी हुई तो आई कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाएगा, और आई कॉन्टैक्ट अगर आपका गया ना तो बस फिर तो मतलब लगेगा बंदे को कि हाँ भाई ये बंदा जो है डर रहा है, और हमारे सामने डर रहा है तो शायद बच्चों के सामने कितना डरेगा। और बच्चों के सामने अगर आप डर गए ना, बच्चों के सामने डेमो क्लास देते वक्त, तो सिर पे बैठे मिलेंगे वो सारे के सारे आपके। तो आई कॉन्टैक्ट जो है वो एकदम बढ़िया से बना के रखना। तीसरी चीज़ जो है ना वो ये है स्माइल, यानी कि अंदर से आपके कितने भी चूहे दौड़ रहे हो, भूख वाले नहीं डर वाले, तो पर चेहरा है ना आपका उस पर जंग जीतने वाली स्माइल वो दिखनी चाहिए, यानी ये दिखना चाहिए कि भाई आप किसी से नहीं डर रहे हो, आपको सब आता है। चौथी चीज ना ढंग के कपड़े पहन के जाना, कभी ऐसा ना हो कि आप उन्हें हंसाने जाएं और वो आपको देखते खुद ब खुद हंसना शुरू कर दें। तो जो आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए वो ठीक ठाक होनी चाहिए। पांचवी चीज़, थोड़ा काम करो भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अटक अटक के बोलना, चीज़ों को बार बार रिपीट करके बोलना, लड़खड़ा के बोलना, समझ में आ गई बात। इन चीज़ों पे अगर आपके अंदर ही कमियां हैं तो प्लीज़ इन्हें ओवरकम करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ये वाला काम करते हो ना तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं चुपके से आपके पीछे हंसना शुरू कर देते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टीचर के लिए ठीक बात होती है। नेक्स्ट ना बोर्ड एंट्रीज, भाई बोर्ड एंट्रीज को करते वक्त बड़ा ध्यान रखना, सारी बोर्ड एंट्रीज जो है वो सबसे पहले करना और एकदम करेक्टली करना। और उससे अगली बात ना स्पेलिंग मिस्टेक्स, कई बार ऐसा होता है कि डेमो क्लास के दौरान ना टीचर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर बैठता है और बस फंस जाता है, यानी उसकी स्पेलिंग्स जो होती है उसे ले डूबती है पता लगाने के लिए कि भाई ये कितने पानी में है। तो जो भी आप लिखें ना बोर्ड पर वो थोड़ा सोच समझ के और ध्यान से लिखें, क्योंकि एक गलती करी और बस समझो दुर्घटना घटी। नेक्स्ट कि जब आप पढ़ा रहे क्लास में ड्यूरिंग द क्लास और इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, तो उस वक्त रिजिड मत हो जाइए कि एकदम आप लकड़ी का स्टैचू बन गए और बस यहाँ से हिलना नहीं है भैया, यहीं खड़े होकर मुझे पढ़ाना है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए, थोड़ा सा हिलिए, थोड़ा सा डुलिए, चीज़ों को समझाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को अपने हाथों का बड़ा प्रयोग करिए, क्योंकि क्लास में जब भी आप कोई चीज़ बच्चों को बता रहे होते हैं उसके बाद देखा जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किस लेवल का है, ये चीज़ आपका हैंड मूवमेंट जो होता है वो डिसाइड कर देता है। और प्लस इस चीज़ से भी काफ़ी फायदा मिलता है कि जो हैंड मूवमेंट है ना वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने में भाई आपकी हेल्प करने वाला है। इंटरव्यूअर ने भी भाई आपको अपना नाम बताया होगा जब आप इंटरव्यू के लिए गए हो, क्लास में भी जो बच्चे हैं एक दो बच्चों का नाम आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद डेमो लेते वक्त आप बच्चों को उनके नाम से संबोधित करिए। अगर आप नाम नहीं जानते, जैसे मैंने बताया एक भी बच्चे का अगर आप नहीं जानते, तो उस वक्त आप बेटा करके उन्हें बुलाए। लड़कियों को बोलना बेटा और लड़कों को भी बेटा ही बोलना, बेटी मत बोल देना। तो कुल मिला के ये वर्ड जो है काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों को सुनने में। स्टूडेंट बोलेंगे तो फॉर्मल होगा, नो प्रॉब्लम, अगर आप स्टूडेंट भी बोलते हैं जो भी बोले कॉन्फिडेंटली बोले। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स जो ना आपके बड़े काम के आने वाली, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो ना एट द टाइम ऑफ योर डेमो सेशन, तो डेफिनेटली यार सिलेक्शन बनता है फिर तो आप।